कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज सबसे पहले तो मैं अपने इंडियन व्यूवर्स जितने भी हैं, जो भी आई नो, मुझे पता है कि मेरी फैमिली बहुत छोटी है, बट जो भी मुझे देखते हैं मुझे पता है उसमें से कुछ मेरे इंडियन व्यूवर्स भी हैं। तो सबसे पहले उनको हैप्पी दिवाली। और बस ये आज का डे स्टार्ट हुआ है और ग्रॉसरी जो है बस लेकर आ चुके हैं। और रेनी वेदर है, रेन भी काफ़ी हो रही थी। सो जी बस किचन में आ गई। ग्रॉसरी जो है एक तो करना, देन उसको सेट करना सो डिफ़िकल्ट, सो मैं वही करने लगी थी, रखने लगी थी। तो मैंने सोचा अपनी ग्रॉसरी भी शेयर कर लूँ आपके साथ। अच्छा, ये कोई मेरी मंथली वाली नहीं है, ये वाली ग्रॉसरी है लाइक क्रिस्प और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इस तरह वाली, मिल्क, ब्रेड, ये वाली ग्रॉसरी थी। सो वही मैं सब कुछ रख रही थी। और सबसे पहले तो मैं बैग से निकाल लेती हूँ, ऊपर रख लेती हूँ, देन फिर मैं फ्रिज में इसको स्लोली स्लोली रखती रहती हूँ। वो आई डोंट नो, ये पूरा वीक दिवाली का होता है या उनके कुछ डेज होते हैं, इतना मुझे नहीं पता। बट ये कि यहाँ फायरवर्क्स होते रहते हैं और आज जितने फायरवर्क्स हुए थे सो मैंने सोचा वो कुछ कैप्चर भी करूँ। अनाबिया को बहुत बहुत पसंद है जैसे फायरवर्क्स, स्पेशली जब दिवाली पे होते हैं और बॉनफायर नाइट होती है यहाँ पे, तब होते हैं और न्यू ईयर पे होते हैं। और ये नहीं कि 1 आवर के नहीं हों, बस होते रहते हैं, मतलब 5-5, 6-6 घंटे होते रहते हैं। और बस अनाबिया हैप्पी होती रहती है और बस कहती है मम्मा फायरवर्क्स, ये बहुत इन्जॉय करती है। तो जो है आज भी उसने बहुत इन्जॉय किया था। आगे मैं आपसे क्लिप भी शेयर करने वाली हूँ दिवाली की। और बस इस वजह से मैंने आज अपना व्लॉग भी शेयर करना था, स्पेशली विश करने के लिए। और वरना मैं शायद 2-3 डेज बाद ही करती हूँ अपना व्लॉग अपलोड। सो आज मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हम लोग जो मुस्लिम्स हैं, हमारे ईद है, ईद अल अज़हा है, ईद उल फितर है, और ये फेस्टिवल्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह इंडिया के जो हैं ये दिवाली, दशहरा और भी बहुत सारे इनके फेस्टिवल्स हैं। सो अच्छा जी, ये देखिए मैं अपनी ग्रॉसरी सेट कर रही हूँ। फ्रिज जो है उसमें थोड़ी सी स्पेस बनानी है। जो मेरी वेजिटेबल वाला जो पूरा बॉक्स है फ्रिज में, वो कुछ गंदा लग रहा था मुझे, तो अभी तो मैं सब ऐसे ऐसे रख रही हूँ। फिर मैं वो बॉक्स निकाल के उसको प्रॉपर वॉश करके फिर मैं वेजिटेबल्स डालूँगी। अभी देखिए मैं ऐसे ही रख रही हूँ, अभी मैं ओपन करके ना टोमेटोज़ डालूँगी इस बॉक्स में। सो अभी ये थोड़ा सा उसको ना समेट लूँ, इतना ज़्यादा वो लग रहा था कि बस फैला दिया मैंने, ऐसा लग रहा था मुझे। तो अच्छा, बार बार नीचे से निकालना, ऊपर रखना ना फ्रिज में, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं पहले ऊपर सारा किचन पे स्टेप पे सब कुछ रख लेती हूँ, देन मैं जल्दी रखती रहती हूँ चीज़ें। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है ग्रॉसरी फ्रिज में रखने का, जब का फ्रिज खाली हो। मेरी सारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब एंड हो गए थे, और फिर जब से एंड हो जाते हैं फ्रिज खाली होता है ना, आप जल्दी से क्लीन अप करें। आप देखिए मैं सारी, मैंने उसकी बास्केट भी निकाल के उसको भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि जिस क्वालिटी का सामान होता है उसमें वेजिटेबल्स होती है ना, तो फिर जो होता है कि चलो जब खाली होगा तब कर लेंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ पहले सब कुछ फिनिश हो जाए, देन ग्रॉसरी करें। सो अच्छा, ये फ्रूट बास्केट भी है, फ्रूट्स भी बस बेचार ही रह गए थे, तो वो भी मैंने हटा के वॉश करके, क्योंकि भी वॉश करते रहना चाहिए साथ साथ, ये नहीं है कि बस फ्रूट्स डाले ही जा रहे हैं हम वॉश नहीं कर रहे। तो बस मैंने सोचा ये भी साथ साथ वॉश करी, मैंने उसको ड्राई करी बास्केट को, अब मैं सारे ये फ्रूट्स रख लूँगी इसमें। तो बस यही फेस्टिवल्स की बात करी थी मैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे मज़े की बात ये है कि हमें ना बहुत हर डिफरेंट मज़हब के हमें फेस्टिवल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस भी होते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, यहाँ पे बंगालीज भी हैं। तो आपको डिफरेंट लोगों से मिलने का ही मौका मिलता है। मेरी फ्रेंड है जो कि बांग्लादेश से है, तो वो उसकी चीज़ें मुझे जानने को मिलती हैं। एक मेरी इंडियन भी है फ्रेंड लाइक मेरी, हाय हेलो है स्कूल में नाबिया के, तो उससे भी मिलने को मिलता है। मतलब हर तरह के लोगों से मिलने का आपको मौका मिलता है। फिर वो अपने फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं, हमें उनके बारे में पता होता है, उन्हें हमारे बारे में पता होता है, क्योंकि सारे आप एक साथ आते जाते हैं, मिलते हैं, तो अपनी चीज़ें भी शेयर करते हैं कि हाँ ये है, ऐसा है, हमारे फेस्टिवल में ऐसा होता है, अच्छा तुम्हारे में क्या होता है। तो यहाँ पे रहने का ये भी एक अच्छा है कि आपको हर चीज़ आपको पता चल रहा होता है कि लोग कैसे फेस्टिवल्स मनाते हैं।
की बातों के साथ साथ हो रही है और मेरी ग्रॉसरी भी सब सेट होती जा रही है। अच्छा ये बैग्स यहाँ पे आपको पता है बैग्स जो हैं बाय करने पड़ते हैं और पैसे से इतने महंगे नहीं होते बट बाय करने होते, तो इसलिए इसका रीज़न बस ये है कि आपने ऐसे ना इसको डिसगार्ड नहीं करना बैग्स को, आपने इसको रीयूज़ करना है जब तक ये फटना चाहे। तो हम बैग्स को यूज़ करते रहते हैं जब उसकी हालत हल्की ख़राब हो जाती है देन हम उसको करते हैं फेंकते हैं वन पे और नया बैग लेते हैं। और क्योंकि प्लास्टिक जो है इज़ नॉट गुड, सो इसलिए जितना कम यूज़ हो उतना ही अच्छा है। सो बस वो बैग्स मैंने अपने स्टोर में रख दिए थे, अब जब ग्रॉसरी करने जाएंगे हम अपने बैग्स लेंगे और चले जाएंगे। अच्छा जी कुकिंग स्टार्ट हो रही है और लग रही है भूख और सोचा कुछ क्रिस्प खा लूँ मैं, और ये कुछ स्पाइसी टाइप के क्रिस्प थे तो मैंने कहा साथ साथ ये भी खाते रहते हैं और खाना भी बनाते रहते हैं। और मैंने मटर निकाल लिए थे ये पीस और मटर चावल बना रही हूँ, जल्दी बन जाते हैं ना, एक सीक्रेट ये ही मटर चावल का जो कि जल्दी बन जाता है। जिस दिन मैं ग्रॉसरी करती हूँ, जिस दिन मेरी डीप क्लीनिंग होती है घर की, और जिस दिन मैं थोड़ा या मैं कहीं बाहर से आई हूँ, जिस दिन मेरा ऐसा लगता है कि मुझे टाइम मैंने किसी और काम में ज़्यादा दे दिया, तो फिर मैं जो हूँ कुकिंग में मैं ऐसी चीज़ कुक करती हूँ जो ज़रा क्विक बन जाए, लाइक मटर चावल या कोई सब्ज़ी दाल इस तरह वाली चीज़ें मैं बनाती हूँ फिर। तो अभी काफ़ी टाइम मैंने इधर उधर लगा दिया था और तो मैंने सोचा चले मटर चावल बनाते हैं। अच्छा मटर चावल में कुछ भी नहीं है, रेड अनियन करो और आप सबको पता ही होगा सारा गरम मसाला इस तरह डलता है जो मैंने डाला है, सॉल्ट और ज़ीरा तेज़पत्ता दालचीनी और मटर डालूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और बस इसको भूनूँगी थोड़ा सा। और पोटैटोज़ भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मेरे घर में कोई लाइक ही नहीं करता, मेरी अनाबिया भी जो है वो सिर्फ पोटैटो चिप्स खाती है और कोई आलू वालू नहीं खाती किसी खाने में, हस्बैंड को भी नहीं पसंद। और मैं सोचती हूँ कि छोड़ो फिर मुझे खा के मोटा होना पड़ेगा, इससे बेटर है नहीं डालो। तो डालती हूँ समटाइम्स, डालती हूँ समटाइम्स नहीं डालती, एक कंपल्सरी नहीं है, नहीं भी डालो तो चलता है, तो मैंने आज नहीं डाला। तो बस ये डाल के बस भूना है मैंने और राइस वॉश करके डाल दूँगी इसके अंदर। और बस ये देखें मैंने वॉश कर लिए और सोक कर लिए और देखें ये मैंने डाल दी राइस और ये बस दम पे लगेंगे बनेंगे राइस, इतने अच्छे बनते हैं सिंपल से। सो अच्छा मटर चावल के साथ चटनी मस्ट है, तो मैं धनिया पुदीना कभी दोनों मिक्स करके भी बनाती हूँ, खाली धनिया से ही बना लें तो मैं थोड़ा सा पुदीना लिया, धनिया ज़्यादा लिया है, हरा धनिया, ज़ीरा, लहसुन, साबुत। अच्छा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है ये है अनारदाना, और अनारदाने से चटनी बनती बहुत बहुत टेस्टी और हल्के में भी अच्छा है अनारदाना और हरा धनिया और ये सब चीज़ें तो है ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छी। तो ये मैं अनारदाना डालूँगी 1 फुल टेबल स्पून, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको वॉश करके मैंने इस तरह डाला है और बस मेरी ये मज़ेदार चटनी तैयार है और रियली इतनी टेस्टी होती है, खट्टी सी और धनिया वाली, खट्टी मिर्चों वाली और मज़े की लगती है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा अनारदाना के साथ, और आपके ना हाजमा भी अच्छा करता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक करता है और डाइजेशन ठीक करता है, ये अनारदाना ये चटनी बहुत अच्छी है तो ज़रूर इसमें ऐड करा करें। Door open करें? No. जी फायरवर्क्स देख लिए, एंजॉय कर लिया और बस आपको पता है खाना खा के सब कुछ करने के बाद अनाबिया के साथ प्ले करना होता है। और ये क्या हो रहा है, ये पेंटिंग कर रही थी अनाबिया पिक्चर्स पे और ये फिर आ गई मेरे हैंड्स पे, मम्मा मैं आपके ना नेल पॉलिश लगाऊंगी वो भी पेंट कलर से। ये देखें ज़रा क्या क्या करना पड़ता है बच्चों के लिए
तो मेरे साथ ऐसे खेलती है, मैं कहती हूँ मैं आपकी सिस्टर नहीं हूँ, आपकी मामा हो ना अभी। सो बस अब तो आप लोग को भी याद हो गया होगा कि मुझे अनाबे के साथ खेलना ज़रूर होता है डेली। सो बस ये देखिए लगा रही हूँ, ऐसे लगा रही थी मज़े से, मैं ये देख रही थी कि देखिए ज़रा कहाँ से सीखती है, हालांकि मैं तो इतना नेल पॉलिश लगाती भी नहीं हूँ। आइए अब अपने और साथ साथ पीछे बिग बॉस चल रहा है, मैं वो भी वॉच कर रही हूँ, और ये साथ साथ ये भी हो रहा है। पॉलिश मेरी डन हो गई है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।